दोस्तों नमस्कार, वीके न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हेमंत। इसराइल और हमास आतंकी संगठन के बीच की जंग को लेकर यूएनएचआरसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद संस्था की ओर से अब इसराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें 11 दिनों तक चले हमलों को युद्ध अपराध के तौर पर माना गया और इसी को लेकर इसराइल भड़क चुका है। इसराइल ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। हालांकि इस प्रस्ताव में भारत ने इसराइल फिलिस्तीन से शांति की अपील की और इस मतदान की प्रक्रिया से बाहर रहने का फैसला किया। युद्ध अपराध की जांच की मांग को लेकर यूएनएचआरसी में लाए गए प्रस्ताव पर हुए मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। भारत ने उन 13 देशों में शामिल होकर यह बताया कि वो इसराइल के साथ है। 24 देशों में प्रस्ताव का समर्थन किया, 9 देशों ने इसराइल का साथ दिया। हालांकि भारत ने इसराइल फिलिस्तीन में सीज फायर का स्वागत जरूर किया है, यानी कि भारत अपने रुख पर कायम है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने कहा, हमारा मानना है कि दो राष्ट्र की नीति के जरिए ही इसका समाधान हो सकता है। इन मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सीधी और सार्थक बातचीत के माध्यम से शांति स्थापित की जा सकती है। केवल दो राष्ट्र समाधान के जरिए इस मसले को सुलझा सकते हैं, जिसके लिए इसराइल और फिलिस्तीन को जो लोग वहां पर रहते हैं वो इसके लिए हकदार हैं। लेकिन इन सब के बीच में इसराइल ने यूएनएचआरसी पर कई तरह के आरोप लगा दिए हैं और यूएनएचआरसी से प्रस्ताव को सिरे से खारिज किया है। इसराइल के पीएम यानी कि नेतन्याहू ने ट्वीट करते हुए कहा है कि यूएन मानवाधिकार परिषद में लिया गया शर्मनाक फैसला एक और उदाहरण है कि संयुक्त राष्ट्र की यह संस्था कैसे इसराइल विरोधी मानसिकता से ग्रस्त है। एक बार फिर से ऑटोमेटिक बहुमत वाली इस काउंसिल ने जनसंहार करने वाले आतंकवादी संगठन, जिसने कि जानबूझकर इसराइल नागरिकों को निशाना बनाया था और गाजा के लोगों को ढाल बनाया था, उसके अपराध को छिपाया गया है। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और हमने हजारों रॉकेट हमले से अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए जवाबी कार्रवाई की थी, इसे लेकर हमें दोषी करार दिया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का मजाक है। यह प्रस्ताव दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए प्रोत्साहन देने वाला साबित होगा। उधर इस प्रस्ताव का जवाब देते हुए इसराइल विदेश मंत्रालय ने भी ट्वीट किया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया है कि 2014 में यूएनएचआरसी ने आतंकवादी संगठन आईआईएस की निंदा की और 2015 में यूएनएचआरसी ने बोको हराम की निंदा की, मगर 2006 से 2021 तक यूएनएचआरसी ने हमास के लिए कुछ नहीं कहा। यही नहीं, इसराइल ने यूएनएचआरसी के संचालन पर सवाल उठाकर कहा यह पाखंड से भरा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकवादी संगठन यानी कि हमास ने 4,300 रॉकेट दागे, मगर एक भी निंदा प्रस्ताव पास नहीं किया गया। इसराइल ने कहा कि यूएनएचआरसी में हमास का नाम तक नहीं लिया गया, यूएनएचआरसी एक ढोंगी संस्था है, इसराइल ने कहा। बहरहाल, इसराइल का हमास पर लिया गया एक्शन एकदम सटीक है और वो इस सैन्य कार्रवाई को कतई गलत मानने को तैयार हो नहीं रहा। आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं और भारत का इसराइल को मिल रहा यह साथ, आप इसको किस तरीके से समझ रहे हैं? जो भी आपकी राय है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीके न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।